स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 पे क्या है? चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। चतुर्भुज के प्रकार किसके आधार पर? कोण व भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? कोण व भुजा के आधार पर। कोई भी चतुर्भुज है उसके कोण और भुजा के आधार पर चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज के पहले प्रकार में हम देखेंगे, आपका पहला चतुर्भुज क्या आता है? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम? समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। एक युग्म, मतलब क्या होता है? जोड़ा। उदाहरण के लिए लेते हैं, हम एक चतुर्भुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक चतुर्भुज। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक चतुर्भुज लेते हैं, कुछ ऐसा चतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये एक चतुर्भुज है, इसमें ये इसके क्या है? समांतर है, ठीक है ना। कोई चतुर्भुज की एक युग्म क्या है? समांतर है। ये इसके समांतर नहीं है, ठीक है ना। समांतर क्या होता है? हम समांतर भी देख लीजिए आप, क्या समांतर रेखाएं। सेवंथ क्लास में वैसे पढ़ाया गया था, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाओं को, क्या करने पर? दो रेखाओं को अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक बढ़ाने पर वो एक दूसरे को काटे नहीं, क्या ना करे? काटे नहीं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, ये क्या है? एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है, ठीक है ना। तो ये रेखाएं क्या है? समांतर रेखा। इनको अगर हम अनंत तक ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, दोनों तरफ। आप किसी भी तरफ इसको क्या कीजिए? अनंत तक बढ़ाइए, ठीक है ना। और एक दूसरी रेखा लेते हैं यहीं पर हम, ऐसी और एक ऐसी। तो ये जब आगे तक जाएगी तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे? एक दूसरे को काट देंगी। तो ये रेखाएं क्या है? समांतर नहीं है। और ये रेखा क्या है? समांतर रेखा है। तो ऐसी रेखा है जिसको अनंत तक बढ़ाने पे क्या हो? एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। ऐसों को क्या कहते हैं हम? समांतर चतुर्भुज। हमने एक उदाहरण लिया, आप यहाँ पे एक और उदाहरण ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण, तो हम एक और चतुर्भुज बनाते हैं। ऐसा है, कैसा? ऐसा कुछ। ये दूसरा चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या कह सकते हो? ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। और ये दोनों समांतर नहीं है, तो केवल एक युग्म हूँ, ठीक है ना। एक युग्म मतलब एक जोड़ा जो एक दूसरे के समांतर। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकारों में दूसरा चतुर्भुज क्या है? दूसरा चतुर्भुज पतंग चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? पतंग चतुर्भुज, ठीक है ना। तो पतंग चतुर्भुज का परिभाषा क्या होती है? कि एक ऐसा चतुर्भुज, क्या? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग, कैसा? अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। क्या होते हैं? आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम? पतंग
चतुर्भुज, ठीक है ना। अब पतंग चतुर्भुज में देख, पतंग चतुर्भुज को देखने से पहले इसमें देखते हैं एक शब्द आता है आसन्न भुजा। क्या? आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजा क्या होती है, ठीक है ना। तो आसन्न भुजा हम देखते हैं, तो आसन्न भुजा जहाँ पर एक भुजा समाप्त हो, एक भुजा समाप्त हो तथा दूसरी भुजा, कौन सी भुजा, दूसरी भुजा का प्रारंभ हो, ठीक है ना, वहीं से उसी स्थान से दूसरी भुजा का प्रारंभ हो, ठीक है ना, प्रारंभ हो, क्या कहलाती हैं, आसन्न भुजा कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो ये हो गई एक रेखा या एक भुजा, ठीक है ना, ये क्या हो गई, एक रेखा ए बी, तो ए चल रही है यहाँ से, बी पे क्या होती है, समाप्त होती है। अब बी से एक चले रेखा तो बी सी, तो ये रेखा क्या कहलाएंगी, ये भुजाएं क्या कहलाएंगी, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं, क्या कहलाते हैं, पतंग चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। पतंग का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हम एक पतंग का क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पतंग तो आपने देखी होगी, तो एक सेम पतंग जैसी आकृति देखिए आप अगर, ठीक है, कुछ ऐसा पतंग की क्या होती है, आकृति होती है। तो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या करें पतंग की, कि एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म हों, ठीक है ना। तो एक ये आसन्न भुजा इसकी, तो ये भुजा इसकी आसन्न भुजा, और देखें तो ये भुजा इसकी आसन्न भुजा, अलग अलग दो आसन्न भुजाओं का क्या होना चाहिए, युग्म होना चाहिए। ऐसे भुजाओं को हम क्या कहते हैं, पतंग चतुर्भुज। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, हम पतंग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया क्या, आसन्न भुजा। आगे चल के आसन्न कोण भी है, क्या है, आसन्न कोण, ठीक है ना, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है, दोनों कोण एक ही उभयनिष्ठ के अंत पे हो, ठीक है ना, ऐसा जो किसी एक ही भुजा के अंत पे हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, हम आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने बनाया एक रेखा, ठीक, और ये एक चतुर्भुज की क्या होती है, ये माना हमने क्या, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कहेंगे, ये कोण और ये कोण क्या है, आसन्न कोण, मतलब एक ही भुजा के अंत में बनने वाले दो कोण, ये ए और ये बी, ए बी कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। अब अगला चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, कि भुजाएं समांतर थी है, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम समांतर चतुर्भुज। एक एग्जांपल लीजिए, आप एक वर्ग बना लीजिए या एक आयत ले लीजिए, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं, ठीक है। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। एक वर्ग ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, ये सब चतुर्भुज क्या कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको तीन प्रकार के चतुर्भुज बताए, किसके आधार पर, कोण एवं भुजा के आधार पर, ठीक है ना। तो भुजाएं समांतर हों, ठीक है, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आते हैं आपके चैप्टर प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को
पूरा कीजिए। सर्वप्रथम क्या कह रहा है, ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि ए डी किसके बराबर होगा, ये आपकी भुजा क्या है ए डी, ये भुजा ए डी है, तो ए डी बराबर किसके होगा, हमारे बी सी के। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जब समांतर होंगी तो समांतर भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है, ये समांतर भुजा आपस ए डी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे किसके हो जाएगा, बी सी के। दूसरा क्या कह रहा है, कोण डी सी बी, क्या कोण डी सी बी। तो आप देखिए यहाँ पे कोण क्या है, कोण डी सी बी ये वाला कोण, ठीक है ना, पूरा कोण पूरा पूरा ये कोण डी सी बी, ये किसके होगा, कोण डी ए बी के। ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण डी ए बी के। ठीक है ना, सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो कोण डी सी बी बराबर क्या कहेंगे हम, कोण डी ए बी के, कोण डी ए बी के। तीसरा क्या है, ओ सी, क्या ओ सी, ठीक है ना, ये हम कहा, ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, ये ओ सी दिया हुआ है, ये ओ सी ये किसके बराबर होगा, ओ ए के। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, आधे से विभाजित होता है, जब एक समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में विभाजित होते हैं तो विभाजित बिंदु से आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, मिडिल कोण ऑफ कोण डी ए बी, क्या कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, कोण सी डी ए। ठीक है, तो कौन कौन सा कोण, डी ए बी, कोण डी ए बी ये कोण, ठीक, और कोण सी डी ए, कोण सी डी ए ये कोण। ठीक है, ये क्या होंगे, 180 के, कितने के होंगे, 180 के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के कुछ नोट्स हैं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, किस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में पहला क्या है, पहला क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी प्रकार आमने सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तथा आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी हमने बताया था आपके कि आसन्न कोण क्या होते हैं, एक ही रेखा के अंत में बने हुए कोणों का युग्म क्या होता है, आसन्न कोण होता है। तो ये एक रेखा हो गया, इनके योग क्या होंगे, 180 होंगे, ऐसे इनके योग भी क्या होंगे, 180 होंगे, मतलब आसन्न कोणों का युग्म क्या होता है, 180 अंश होता है। ये चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के तीन इम्पोर्टेंट क्या हैं, रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मापों का ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, उसमें क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मापों का ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी चतुर्भुज हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हम क्या कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर, तथा आमने सामने की कोण बराबर। तो पहले का हल, ठीक है, हल हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोण बी, कोण बी कितने का है, 100 का, ठीक है ना। तो सम्मुख कोणों का क्या होता है, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी 100 का है तो वाई भी क्या होगा, 100 का होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ y बराबर एंगल ऑफ बी के, ठीक है ना, जो एंगल y है, या कि यहाँ पे क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ d, जो एंगल d है या एंगल y हो, किसके बराबर है, b के।
एंगल वाई कितने का होगा, 100 का होगा। कितने का होगा एंगल वाई यहाँ पे, 100 का होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जेड और एक्स ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ठीक है ना, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जेड बराबर यक्स के, तो हम यहाँ पे रख भी सकते हैं कि यक्स बराबर किसके होगा, यक्स के, ठीक है ना। या कि यहीं से आप समझ जाओ एंगल ए किसके, एंगल सी के बराबर है। बस अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के युग्म का लगा देंगे। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितने का होगा, 360 का होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मान रखेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान पता नहीं और बी का मान 100, तो ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 100 प्लस एंगल सी और डी कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे हमने क्या है, एंगल ए किसके बराबर, एंगल सी के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस 100 प्लस एंगल ए प्लस 100 बराबर किसके होगा, 360 के। ये भी होगा किसके, 360 के होगा। अब आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो हो जाएंगे 200 और 2a, तो 2 कोण ए प्लस 200 बराबर 360 के। अब ये इधर 200 क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2 कोण ए बराबर 360 माइनस 200 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 160। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 80। दो इधर भाग जाएगा, सट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। तो ए बराबर कितना है, 80 के। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 80 के, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वाई बराबर कितना हो गया, 100, ए बराबर 80, और ये यहाँ पे एक्स बराबर भी 80 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड डायग्राम पे। ये कौन सा है, सेकंड डायग्राम, ठीक है ना। सेकंड डायग्राम पे हम देखें तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम क्या कह सकते हैं, योग कोण भी कितने का होगा, 50 का होगा। कितने का होगा, 50 का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक रेखा पे बना हुआ कोण है, किस पे, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हल, सबसे पहले जेड के लिए देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, 50 प्लस जेड बराबर कितना होना चाहिए, 180। रीजन क्या है, रैखिक युग्म, मतलब एक रेखा पे बना हुआ कोण। तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 180 में 50 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130। यहाँ पे हमारा जेड का मान क्या हो गया, आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यक्स बराबर किसके होगा, वाई के। हम कह सकते हैं यक्स बराबर वाई के, किससे, सम्मुख, कैसे कोण, सम्मुख कोण है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये सम्मुख कोण है। बस अब इनका हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, किससे, चतुर्भुज के योग से, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम रखते हैं 50 से, तो 50 प्लस यक्स प्लस, ठीक है, 50 प्लस वाई बराबर 360, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे, और यहाँ पे हमने देखा है क्या रखा है, यक्स बराबर वाई के। तो हम यक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। तो ये 50 प्लस वाई प्लस 50 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। अब हम रखेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और ये 50 50, 100 बराबर 360, ठीक है। आगे रखते हैं तो ये, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 100, ये उधर जाएगा घटेगा, तो हो जाएगा 2y बराबर 260, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 260 बटे 2 काटेंगे तो 130, ठीक है, क्या हो जाएगा, 130। y बराबर क्या आ गया, 130।
तीस। तुम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर y बराबर 130 के हमारे पास x y z का मान निकाला है। ये हो गया क्या आपका आंसर।